खरगोन। खुशहाली सेवा संस्थान की श्वेता चौधरी को संभागाध्यक्ष का सौंपा पदभार। एक माह पूर्व जन्मी बेटियों के माता पिता को किया सम्मानित। भारतीय मानव अधिकार परिषद नई दिल्ली ने किया सम्मानित। खरगोन जिले में खुशहाली सेवा संस्थान द्वारा विगत कई वर्षों से जनहित और सामाजिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जाती रही है। इसी को लेकर खुशहाली सेवा संस्थान की श्रीमती श्वेता चौधरी समाज को नया आयाम देने के लिए हर संभव प्रयास करते दिखाई देती है। सामाजिक गतिविधियों में उपस्थिति दर्ज करके लोगों में जन जागृति लाने वाली श्रीमती श्वेता चौधरी नारी शक्ति की अनूठी मिसाल पेश करती है। समाज सेवा के लिए अग्रणी खुशहाली सेवा संस्थान द्वारा खरगोन के निजी होटल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें जिन परिवारों में एक माह पूर्व बेटियों का जन्म हुआ ऐसे माता पिता को भारतीय मानव अधिकार परिषद नई दिल्ली बेटी बचाओ प्रकोष्ठ द्वारा पुष्पहार और प्रमाण पत्र से सम्मानित भी किया। समाज सेवी संस्था की नारी शक्ति श्वेता चौधरी के उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए मानव अधिकार न्याय सुरक्षा परिषद नई दिल्ली के प्रदेश समन्वयक डॉक्टर राहुल कुशवाहा ने श्रीमती श्वेता चौधरी को संभाग महिला अध्यक्ष के पद का नियुक्ति पत्र देकर पदभार सौंपा, जो खरगोन जिले की नारी शक्ति के लिए बड़े गौरव की बात है। जिला खरगोन से प्रमोद गुप्ता की रिपोर्ट। मौजूद है हमारी श्वेता मैम, दिव्या मैम, तो ये किसी से कम है क्या? नहीं ना। इसके बाद अभी हमने पढ़ा था हमारे खरगोन जिले की निकिता मंडलोई, जो सिर्फ 21 वर्ष की आयु में डिप्टी कलेक्टर बनी है। उसी के साथ एक अंकिता मौर्य, जो नायब तहसीलदार के रूप में हमारे जिले में, उसकी पोस्टिंग अभी बड़वानी में हुई है। तो बेटियां किसी से कम नहीं होती, पर बस बात है एक मौके की। जो आप अपने बेटों को देते हैं, वही मौका आप अपनी बेटियों को भी एक बार देकर दीजिए। बस ये कहना है कि समानता हो और एकरूपता हो हमारे बीच। हम लड़कियों को भी शिक्षित होने का उतना ही हक दें जितना कि लड़कों को देते हैं। लड़कियों की पढ़ाई मतलब शिक्षित बेटी, शिक्षित बेटी का मतलब शिक्षित बहू का मतलब शिक्षित माँ, और शिक्षित माँ का मतलब एक शिक्षित संतान। शिक्षित संतान वही है जो आगे की पीढ़ी को शिक्षित करेगी और जिसे एक शिक्षित भविष्य की, एक शिक्षित भविष्य का निर्माण होगा। आप सबका स्वागत है। आज यहाँ पर आप लोग उपस्थित हुए हैं, जैसा कि आप लोगों को अभी सुनने में आया, यहाँ पर जितने भी वक्ता बोल कर गए हैं, बताया कि बेटी बचाओ। आज भारतीय मानव अधिकार न्याय सुरक्षा परिषद नई दिल्ली के अंतर्गत जो बेटी बचाओ प्रकोष्ठ है, उसमें हमने सभी को आमंत्रित किया है, ऐसे लोगों को जिनके वर्तमान में अभी बेटी ने जन्म लिया है, उन माता पिताओं का सम्मान किया जाएगा। और वो यहाँ पर उपस्थित है, उनके माता पिता या परिवार के कोई सदस्य आए हैं, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही बेटियों ने जन्म लिया है, तो माता का आना असंभव रहा है, वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाई है। अब यहाँ पर बात आती है कि बेटियों की, तो बेटियों के ऊपर मैं आपको एक स्वरचित कविता सुनाना चाहूंगी। सब लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी बचाओ, ये आंदोलन चलाया जा रहा है, सभी संगठन, सामाजिक संगठन, शासकीय विभाग, सबकी तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारे प्रचार प्रसार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लेकिन इसमें यहाँ पर स्वरचित कविता जो है, उन पंक्तियों के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाह रही हूँ। आप कृपया उस पर ध्यान दें, उन शब्दों को सार प्राप्त करें। यूं शोक न मनाओ लोगों, यूं शोक न मनाओ लोगों कि घर में बेटी आई है, यूं शोक न मनाओ लोगों कि घर में बेटी आई है। जिस घर में बेटी आई है, उनने तो खुशियों की अनमोल संपत्ति पाई।